देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बांदा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने बैनर तले डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन संबोधित किया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी प्रदेश के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गुलाब चंद्र कुशवाहा ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन के इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ते हादसों को रोकने की दिशा में 10 गुना बढ़ाए गए आर्थिक दंड और कड़े कानून व्यवस्थाओं के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के देश में लागू किया गया। हम भारत सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था में पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की बेहतरीन और 130 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जनहित और राष्ट्रहित न्याय हित में दोबारा विचार करने और तत्काल वापस किए जाने का आग्रह इस माध्यम के ध्यान आकर्षित करते हुए किया। हमारी जनहित में जारी संज्ञान लेते हुए सहमति प्रदान करें और सड़कों को पुनः गड्ढे मुक्त करवाएं और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को वापस लेने की हमारी मांग पर जल्द से जल्द सहमति प्रदान की जाए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बांदा के जिला अध्यक्ष हूँ। सही भाई भैया, ये इसमें जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो समाज में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 गुना धनराशि जो बढ़ाई गई है आम पब्लिक के ऊपर, तो इसी माध्यम से ज्ञापन बनाकर हम मतलब माननीय मोदी जी के नाम पर देने आए हैं ये महोदय जी के माध्यम से। ये जो नियम लागू किए गए हैं, क्या कहते हैं, ये तो विदेश के नियम हैं। क्या विदेशों जैसी व्यवस्थाएँ भारत देश में हैं? खाली महानगरों को छोड़ करके क्या किसी तहसीलों में हर ज़िले में क्या मतलब अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्थाएं हैं? क्या गड्ढा मुक्त रोड़े हैं? जगह जगह मतलब जो है लाइटों की व्यवस्था नहीं है? जगह जगह तो आवारा पशु बैठे रहते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं। चालान के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, मोटर हेलमेट के नाम पर मतलब 10 गुना राशि बढ़ाई गई शराब के नाम पर। तो हमारा मोदी जी से यही निवेदन है कि मतलब पुनः इस मतलब व्यवस्था पर विचार कीजिए और ये नियम वापस कीजिए। इससे आम जनमानस परेशान है, क्योंकि देश की आधी आबादी बाढ़ से परेशान है, बाढ़ पीड़ितों से वो न्याय की आस लगा रहे हैं, भुखमरी की मतलब कगार पर वो लोग जीवन जी रहे हैं। ऐसी भी व्यवस्था में अगर ये नियम देश पर लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मतलब जो है आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएंगी लोगों की। आप बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।